तो क्वेश्चन ये है कि राइट एन इफ स्टेटमेंट डेट असाइंस 100 टू एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू जीरो। कह रहा है कि इफ स्टेटमेंट को कोड इस तरह लिखें कि वो एक्स के वेरिएबल को 100 वैल्यू असाइन करे, लेकिन कब असाइन करे, जब वाई की वैल्यू जीरो हो। सही है। तो यहां पर हमें प्रोग्राम जो बनाना है अब खुद से बनाना है समझ के, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, फिर इस तरह के अगले स्टेटमेंट्स को आपने खुद से भी करने की कोशिश करनी है। अच्छा, ये प्रोग्राम कैसे बनेगा देखें। सबसे पहले हम अपना डेव सी प्लस का कंपाइलर खोलेंगे और जैसे ही हम अपना कंपाइलर खोलेंगे फाइल में जाके यहां से न्यू फाइल लेंगे, सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे और बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर स्मॉल लेटर्स में हम इसमें इसी तरह से टाइप कर देंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और मेन फंक्शन ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाके इसको क्या करेंगे, सी आउट एंड लाइन जो हम बेसिक कोड लिख रहे होते हैं, और यहाँ पे सिस्टम को पास कर देंगे, ठीक है, पी ए यू सी ई पास, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे और रिटर्न को जीरो कर देंगे, ठीक है, रिटर्न जीरो। ये हमने बेसिक कोड लिख लिया और यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया, तो ये हमारा जो ग्रुप था उसका सक्सेस के नाम का, उसमें जाके हम सेव करेंगे और उसमें हम रख रहे हैं इसका नाम सपोज टू बी इफ प्रॉब्लम 31 इफ कंडीशन सॉल्व, ठीक है। अब इसने हमें कहा कि ये कैसे करना है, तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे दो वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर x इज इक्वल टू जीरो और इंटीजर y को हम डिक्लेयर ही नहीं कर रहे, ठीक है, बल्कि उसको सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, असाइन नहीं कर रहे। अब x की वैल्यू तो जीरो कर दी हमने और y की वैल्यू कुछ भी नहीं रखी है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं प्रोग्राम क्या कह रहा है कि भाई x को 100 कर दो जब y की वैल्यू जीरो हो। ओके, तो यहां पर हम एक मैसेज बनाते हैं, सी आउट लेस देन क्या लिख रहे हैं उसके अंदर, एंटर वैल्यू ऑफ वैल्यू फॉर x वेरिएबल, नहीं गलत फॉर y वेरिएबल, के y की वेरिएबल के लिए एक वैल्यू हमें दे दो, तो उसका इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के लिए सी इन ग्रेटर देन और वाई के अंदर इनपुट ले लिया। ये प्रोग्राम का मोटिव हुआ कि जब प्रोग्राम चलेगा तो एक मैसेज आएगा और वो कहेगा भाई वाई की वैल्यू का इनपुट दो। अब इस इनपुट के ऊपर हमारा प्रोग्राम डिसाइड करेगा वेदर एक्स को क्या असाइन करना है, एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है। ओके, अब हम यहां पे कहते हैं चेक करो इफ वाई की वैल्यू इक्वल मतलब बराबर हो। देखो इस इक्वल का मतलब है असाइनमेंट, यानी कि इस वैल्यू को इस वेरिएबल पे असाइन करो, और इस इक्वल का मतलब है कंपेयर करो, क्या करो, कंपेयर करो। इफ वाई इज इक्वल टू जीरो तो क्या करो, अब इफ की कंडीशन हमने इफ बताया, ये इसका एक्सप्रेशन बताया, अब आउटपुट क्या लेना है वो इसके बॉडी ब्रैकेट्स में बताएंगे। तो हमने कहा आउटपुट दे दो x is equal to 100, it's not equal to x assign 100, यानी कि ये जो literal integer constant है ये value assign कर दो x पर, लेकिन ये कब करना है, जब y की value क्या हो, 0। अब इसके बाहर हमने x की value का output लिया, see out less than the value of x variable, okay, तो क्या value है इसकी, यहाँ पर हमने फिर लगाया less than और यहां पर हमने x की वैल्यू को आउट कर दिया। सो नाउ अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो हमने यहां से प्रोग्राम को रन किया तो प्रोग्राम बिल्कुल सही रन हुआ, y की वैल्यू का इनपुट करने के लिए कह रहा है, मैंने y की वैल्यू रखी 2 तो इसने x की वैल्यू को क्या डिस्प्ले किया, 0। सही है। तो हमने यहां से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया दोबारा से और अब y की वैल्यू मैंने क्या रख रहा हूं, 0। तो अब उसने x की वैल्यू कितनी कर दी। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने अपने प्रोग्राम को एक छोटा सा डिसीजन मेकिंग पावर दिया जो कि y की वैल्यू के ऊपर बेस कर रहा था।
समझ में आई?